नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल थिंक टैंक पर। दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में बात करेंगे दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल यानी कि आप सभी के सरजी को मिले दो बड़े झटकों के बारे में। ऐसे झटके जिसके बाद अरविंद केजरीवाल की पूरी पार्टी और खुद अरविंद केजरीवाल अपना बोरिया बिस्तर समेटने की तैयारी कर चुकी है, क्योंकि जो पहला झटका उन्हें मिला है वह दिल्ली के एलजी की तरफ से, दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा मिला है, और वो पूरा झटका जाकर गिरा है अरविंद केजरीवाल के ऊपर गाज बनकर, क्योंकि दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार, जिनकी सेवा पूरी होने वाली थी, उस ऑर्डर को रद्द कर दिया गया है। यानी कि अरविंद केजरीवाल के एक एक घोटाले की पोल खोलने वाले नरेश कुमार अभी भी सर्विस में बने रहेंगे। क्या है पूरा मामला बताऊंगी आपको रिपोर्ट में आगे। इसी के साथ साथ दूसरा झटका लगा है पूरी आम आदमी पार्टी को, जो कल ढोल ताशे नगाड़े लेकर तैयार थी बजाने के लिए, जो बोल रही थी भैया आज तो संजय सिंह को बेल मिल जाएगी, आज तो संजय सिंह हम सभी के साथ बैठकर शाम को रोटी खाएंगे, उन सभी के अरमानों पे पानी फिर गया। क्योंकि दिल्ली के राउज रेवेन्यू कोर्ट ने उनकी जो बेल थी उस पर कोई सुनवाई करी ही नहीं, बल्कि अगली तारीख दे दी है और सीबीआई से रिपोर्ट मांगी है। यानी कि संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के सपने भी चकनाचूर हो गए हैं। क्या है पूरा मामला बताते हैं आपको आज की इस रिपोर्ट में। रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जी उन नेताओं में से हैं जो लोग उन्हें पसंद आते हैं उन्हें वह राजा बाबू बनाकर सर पे बिठा लेते हैं, और जो लोग उन्हें नहीं पसंद आते उनके ऊपर चुटकियों में झूठे आरोप थोप देते हैं। जैसे कि दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार, जिनके ऊपर झूठा भ्रष्टाचार का आरोप लगाने की पुरजोर कोशिश दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल और उनकी चमची मंत्री लोमड़ी जैसी शक्ल की अतिशी मैडम ने करी। विद इन आवर्स 670 पन्नों की रिपोर्ट तैयार कर दी, बिना एलजी की पूछताछ के, बिना एलजी की ऑर्डर्स के, बिना प्रोटोकॉल्स को फॉलो करे ईडी और सीबीआई को वो फाइल भी भेज दी, जिन आरोपों में ना नरेश कुमार बल्कि उनके बेटे को भी मिटाने की कोशिश की गई, उनके बेटे के ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाने की कोशिश की गई, एक ऐसे मामले में जो आज का नहीं है, जो कई साल पुराना है, जो ऑलरेडी ईडी और सीबीआई के तहत चल रहा है, जिसको तहत मई महीने में सुनवाई हुई है और हेमंत कुमार नाम के अधिकारी को सस्पेंड भी कर दिया गया है। तो क्या हम ये समझें दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल सोए हुए थे अब तक? उन्हें अब याद आया है कि इस मामले में नरेश कुमार के खिलाफ हमें कंप्लेंट दर्ज करनी है, हमें उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाने हैं। हालांकि इस पूरे मामले में द वायर नाम के न्यूज पोर्टल पर दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार डिफेमिनेशन का केस भी दर्ज कर चुके हैं, क्योंकि उनको लेकर एक ऐसी खबर छापी गई जो सरासर झूठी थी, जिसका एक एक फैक्ट रॉन्ग था, और इन्हीं रॉन्ग फैक्ट्स के चलते अरविंद केजरीवाल और अतिशी मैडम ने ये पूरा मामला सीबीआई तक भेजा, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, 670 पन्नों की रिपोर्ट तैयार करी, एलजी को भेजी और इसी के साथ साथ सीबीआई तक भी वो रिपोर्ट भेज दी बिना प्रोटोकॉल्स को फॉलो करे। और आज मंजर ये है, जब इस पूरे मामले में सुनवाई हो रही थी दिल्ली हाई कोर्ट में, जहां दिल्ली के एलजी के द्वारा एक फाइल भेजी गई थी केंद्र को कि नरेश कुमार की जो सर्विस है उन्हें बढ़ा दी जाए, क्योंकि 30 तारीख को वे रिटायर होने वाले हैं। क्योंकि आज जो माहौल है दिल्ली में, जिस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में एक ईमानदार अफसर होना बहुत जरूरी है, जो कि नरेश कुमार है। तो ऐसे में इस पूरे मामले में जो सर्विस बढ़ाने की बात की गई है और बढ़ा दी गई है नरेश कुमार की, इसके बाद पूरी आम आदमी पार्टी मातम में है और शोक मना रही है। क्योंकि अभी तो शराब घोटाले तक ही नरेश कुमार सीमित हैं, शीश महल घोटाले की फाइल उनके पास है, लेकिन अभी तो फीडबैक यूनिट घोटाला, बिजली घोटाला, क्लासरूम घोटाला और न जाने कितने घोटाले, डीटीसी बस घोटाला, न जाने कितने घोटाले ऐसे हैं जो आम आदमी पार्टी के खाते में आकर गिर चुके हैं और जिनकी फाइल अब सीधा जाने वाली है नरेश कुमार के हाथ में। हालांकि अभी हाई कोर्ट ने तमाम तरीके के सवाल पूछे हैं, रिपोर्ट मांगी है कि आखिरकार क्यों इनकी जो सर्विस है वो बढ़ानी है। ये बाद की बातें हैं, लेकिन अभी मंजर ये है कि आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से
सदमे में आ चुकी है। दूसरे झटके की यदि बात करें तो वह संजय सिंह से जुड़ा हुआ है। वो संजय सिंह जो 3 या 2 नवंबर से जेल की सलाखों के अंदर फंसे हुए हैं, तो वो संजय सिंह बड़ा छाती पीट पीट कर कहते थे ईमानदारों की पार्टी। जैसे ही उन्हें तिहाड़ जेल में जाना पड़ा, तभी उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी बेल एप्लीकेशन लगा दी कि भैया मैं तो बेगुनाह हूं, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन आज मंजर ये है कि इस पूरे मामले की सुनवाई के साथ साथ इस पूरे मामले में उनकी बेल जो है वो नहीं हुई और अगली तारीख दे दी गई है। यानी कि दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह के और आम आदमी पार्टी के अरमानों की धज्जियां उड़ गई हैं। और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि अगली सुनवाई में जो एक प्राथमिक जो जांच चल रही थी, उसके बाद जो सीबीआई है वो चार्जशीट दायर करेगी, और चार्जशीट दायर होने के बाद इनकी बेल के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, जो आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, एक ऐसा झटका जो शायद आम आदमी पार्टी झेल भी नहीं पाएगी। तो ये 2 बड़े मामले ऐसे हैं जिनमें आम आदमी पार्टी की बहुत जान सूख रही है, आम आदमी पार्टी की गले की हड्डी बन गए हैं ये 2 बड़े बड़े फैसले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से 2 बड़े बड़े सुप्रीम झटके आम आदमी पार्टी को बुरी तरीके से लग गए हैं। हालांकि नरेश कुमार वाले मामले में जो सो कॉल्ड वरिष्ठ वकील है अभिषेक मनु सिंघवी, जो आम आदमी पार्टी के परमानेंट वकील बन चुके हैं, उन्होंने कहा है ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। अब भाई आप आवाज उठाइए, हाथ उठाइए, पैर उठाइए या जबान उठाइए, जो होना था वो हो चुका है और अब आम आदमी पार्टी के पास कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि 2 बड़े झटके आम आदमी पार्टी को अब लग चुके हैं। और सबसे सुप्रीम झटके तो अरविंद केजरीवाल और उनकी मैडम आतिशी मैडम को लगे हैं, क्योंकि ये दोनों ही हैं जो आजकल प्लानिंग करते हैं और प्लान्स को अंजाम देते हैं, ये किसी और से नहीं पूछते। क्योंकि बड़े बड़े जो मेन मुखिया थे अरविंद केजरीवाल के, वो तो जेल के अंदर जा चुके हैं, और अब आतिशी मैडम के जेल जाने की तैयारी अरविंद केजरीवाल पूरे तरीके से कर चुके हैं। आप इस खबर पे अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। रिपोर्ट अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल थिंक टैंक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।